हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपको ऑनलाइन वीडियो में। और सी प्लस प्लस का ये तीसरा वीडियो लेकर आए हैं हम, और पहले भी पढ़ चुके हैं उसको, एक बार रिपीट कर देते हैं क्या क्या टॉपिक था। पहला यूनिट नंबर वन चल रहे थे हम लोग, जिसमें प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस है। चैप्टर नंबर वन, यूनिट वन में चैप्टर नंबर वन रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग 11th, मतलब चैप्टर नंबर वन में रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग 11th है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर वन में टॉपिक नंबर वन इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस है। तो इसके अंदर में हम लोग इंट्रोडक्शन जनरली देख चुके थे, यहां पे चलते हैं आज के क्लास में होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम क्या है ना, तो ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ, ये प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन डाटा कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय योर कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। कहता है कि इंस्ट्रक्शनों का जब सीक्वेंस है ना, इंस्ट्रक्शन कहां से आते हैं तो ध्यान दीजिए डाटा होते हैं, तो डाटा जस्ट लाइक जब हम क्रम में देते हैं डेटा, जब हम इंस्ट्रक्शन के रूप में इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक क्रम, ठीक है। तो डाटा जस्ट लाइक जैसे 0 to 9 A to Z, तो इस कलेक्शन को जब हम एक सीक्वेंस के आधार पे देंगे है ना, वन बाय वन सीक्वेंस देंगे, तो जब वो प्रोग्राम कंप्यूटर में क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोसेस करेगा बाय ए कंप्यूटर, किसके जरिए, कंप्यूटर के जरिए, तो इसको प्रोग्राम, वो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग कि हमको 10 स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करना है, तो 10 स्टूडेंट का रिजल्ट क्या होगा, तो मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम लोग, जैसे नेम हो गया, नेम के साथ साथ एड्रेस भी रख सकते हैं, एड्रेस के साथ साथ सब्जेक्ट मार्क्स रख सकते हैं, सब्जेक्ट मार्क्स के साथ साथ टोटल मार्क्स रख सकते हैं। तो ये एक कलेक्शन बन गया डाटा, जब इसको हम क्रम वाइज क्रम, मतलब एक के बाद एक स्टूडेंट नहीं, कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट देंगे, तो 10 स्टूडेंट का क्रम जब हम वन बाय वन रखेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में, वह कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा बाय वन बाय वन है ना, इज कॉल्ड प्रोग्राम है ना। तो ये रहेगा, नेक्स्ट हम यहां पे देखेंगे तो हम लोग यहां देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे प्रोग्राम में बनाया जाएगा है ना, कैसे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, वो स्ट्रक्चर वन बाय वन कैसे हम लोग रखेंगे। तो अभी हम एग्जांपल में बताया कि 10 स्टूडेंट का टोटल इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ वन बाय वन उसको जब कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा तो जस्ट लाइक प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को हम स्ट्रक्चर में कैसे रखेंगे, तो ये आपका चार प्रकार का आते हैं स्ट्रक्चर में, जैसे पहला है देयर आर 4 स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। कितने प्रकार का मिलेंगे, तो 4 प्रकार का है ना, पहला एल्गोरिथम, दूसरा फ्लो चार्ट, तीसरा कोडिंग, चौथा ड्राई रन है ना। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। जब हम किसी भी प्रोग्राम को जब कंप्यूटर में कोडिंग रखेंगे या कंप्यूटर पे उसको हम टाइप करेंगे या कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, तो हमको ये 4 स्ट्रक्चर बहुत हेल्प करता है, मदद करता है ना। इसको पूरे दिमाग में आपको बैठाना है कि एल्गोरिथम कैसे होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, कोडिंग क्या है और ड्राइवर क्या है।
तो ये फोर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जब मेरे दिमाग रहेगा तो किसी भी प्रोग्राम को कोडिंग करने में, कंप्यूटर पे लिखने में, प्रोग्राम बनाने में बहुत इजी होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है ना, एल्गोरिथम क्या होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग कि मान के चलिए कि एग्जाम्पल पेन दिया तो पेन लाना, तो पेन लाने के लिए जब आपको बोला जाए तो आप पेन लाइएगा, है ना। पेन लाइएगा तो सबसे पहले सोचिएगा कि हमको कहाँ से लाना है, किस ओर मिलेगा, है ना। तो मान के चलिए कि वो जस्ट लाइक जाने से पहले जो काम आप दिमाग में करते हो, सोचते हैं, ठीक है, कि हमको कहाँ जाना होगा, किस ओर पेन मिलेगा, किस दुकान में जाना होगा, जस्ट लाइक एल्गोरिथम, है ना। दूसरा फ्लो चार्ट, मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कहाँ किधर जाना है तो किसी से पूछते हैं तो वो डायरेक्शन एक ग्राफ के जरिए, किसके जरिए, ग्राफ के जरिए, मान लीजिए वो ग्राफ के जरिए, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की ओर देता है। तो मान लीजिए वो ग्राफ जो बनता है वो फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, और उसमें जो लिखावट होते हैं, जो लिखा जाता है वो कोडिंग होता है। और जब उसको एक आप उस पर प्रोसेस करिएगा, प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, वर्क करेंगे, तो वो होगा आपका ड्रैग रन। तो एक एग्जांपल के रूप में लिए हैं। अगर तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले एल्गोरिथम, है ना, कि एल्गोरिथम क्या है, है ना। तो राइट द स्टेप, ठीक है, राइट द स्टेप्स ऑफ एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम का, प्रोग्राम अभी आप लोगों को बताया कि किसी स्टूडेंट का डिटेल लीजिए जस्ट लाइक प्रोग्राम, और उसको कंप्यूटर में वन बाय वन एग्जीक्यूट करना जस्ट लाइक प्रोग्राम। तो किसी भी प्रोग्राम का स्टेप्स, है ना, किसी भी प्रोग्राम का स्टेप्स जब हम लिखते हैं किसमें, सिक्वेंशियल वे में, मतलब एक सिक्वेंस क्रम में, वो क्रम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जब किसी भी प्रोग्राम को स्टेप्स बाय स्टेप्स में हम जब लिखते हैं, जब रखते हैं उसको, और वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, वही मेरा क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम। एंड इट इज टेक्निक फॉर, मतलब एक ऐसा टेक्निक है जो सॉल्विंग एनी गिवन प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, जो आपको प्रोग्राम दिया हुआ है, उस प्रोग्राम पे कोई भी प्रॉब्लम को आप बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक किसके जरिए, एल्गोरिथम के जरिए। जैसे होता है कि कोई काम करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, थिंकिंग पावर लाते हैं, सोचते हैं, तो सोचना ही जस्ट लाइक एल्गोरिथम। सबसे पहले हम सोचने से, उस काम को करने से पहले क्या करते हैं, सोचते हैं, तो सोचना ही जस्ट लाइक एल्गोरिथम कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम एल्गोरिथम का एक एग्जांपल देते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है, एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर वन देते हैं, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर, है ना। एक प्रोग्राम लाए हम एल्गोरिथम में जरिए इसको जरिए सॉल्व करना है, तथा राइट एन एल्गोरिथम, हमको क्या करना है, एल्गोरिथम, यहां दीजिए क्या बनाना है, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का स्टेप्स, है ना, किसी भी प्रोग्राम का स्टेप्स हम जब लिखते हैं एक सिक्वेंशियल वे में, एक क्रम में, वन बाय वन, वो मेरा क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम। तो कहता है कि फाइंड सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर को क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, एल्गोरिथम लिखना होगा। तो एल्गोरिथम लिखने का मतलब स्टेप बाय स्टेप में लिखना होगा। तो पहला आंसर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, नंबर वन स्टेप्स, कहता है कि सम ऑफ टू नंबर, तो हमको पहले नंबर लेना होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले एल्गोरिथम के जरिए कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं,
स्टार्ट करते हैं. नंबर टू, एक्सेप्ट एनी टू नंबर. दो नंबर पहले हमको एक्सेप्ट करवाना होगा. तो मान के चलिए कि वेरिएबल के रूप में, वेरिएबल समझते हैं, वेरिएबल के रूप में हमको लेना है ए और बी. दो नंबर ले लिए है ना, कॉन्स्टेंट को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, हम लोग वेरिएबल लेंगे उसकी जगह पे है ना. ए एंड बी. फाइव क्या करना है, सम. तो हम उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, सम रख दिए है ना. तो समझेंगे अब क्या करना है, दिमाग लगाना है कि पहले स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्ट करने के बाद हमको क्या करना है, हम दो नंबर भी ले लिए हैं है ना, वेरिएबल के रूप में और एक फॉर्मूला के रूप में भी समझ लिए. अब क्या करना है, हमको फॉर्मूला पुट करना है. पुट द फॉर्मूला. फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, तो आपको थिंकिंग सोचना है, समझना लगाना है. जैसे सम, सम लिए हैं इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब दो नंबर जो कॉन्स्टेंट लेंगे ए और बी में, ये दोनों नंबर कहाँ आएंगे, सम में आएंगे. तो सम पे रख रहे हैं ना. तीसरा चौथा, डिस्प्ले द रिजल्ट. रिजल्ट किसके पास है, तो सम के पास है ना. तो यहां लेंगे सम, मतलब रिजल्ट मेरे पास किसके पास आया, सम के पास आया. रिजल्ट हो गया. अब जब रिजल्ट हमको मिल गया है ना, रिजल्ट मेरा मिल गया तो मेरा काम खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, हम स्टॉप करेंगे. तो ध्यान दीजिए, किसी भी प्रोग्राम का, प्रोग्राम क्या था, दो नंबर का जोड़ करना, सम करना है ना, दो नंबर को जोड़ना था, ये मेरा प्रोग्राम था. तो उस प्रोग्राम को हमको बनाना नहीं है, प्रोग्राम को सिक्वेंशियल वे में लिखना है, मतलब एल्गोरिथम में लिखना है ना. तो एल्गोरिथम पहला काम क्या किए, स्टार्ट. दूसरा काम क्या किए, दो नंबर लेना था, एक्सेप्ट एनी टू नंबर. टू नंबर में हम ए और बी वेरिएबल के रूप में लिए और एक अलग से फाइंड करने के लिए सम ले लिए है ना. तो सम के जगह पे हम सी भी ले सकते थे, लेकिन हम हमेशा आइडेंटिफाई के रूप में यूज करेंगे, ताकि हमें पहचान में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है. तो यहाँ पे समझे तो इसको समझ में आ रहा है, जोड़ करना है ना. नेक्स्ट तीसरा में है पुट द फॉर्मूला. फॉर्मूला रखेंगे तभी वो तो कैलकुलेशन करेगा, प्रोसेस करेगा. तो सम इक्वल टू ए प्लस बी रखेंगे है ना. तीसरा चौथा देखेंगे, डिस्प्ले द रिजल्ट. रिजल्ट किसके पास है, जब दो नंबर जुड़ेंगे तो कहाँ आएंगे, सम में आएंगे. तो सम मेरा क्या करेगा, डिस्प्ले मेरा फाइनल रिजल्ट देगा. अगला काम क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप है ना. तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन ले आए हैं, राइट एल्गोरिथम टू सम ऑफ टू नंबर है ना. इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन हम देते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज तक का वीडियो यही रहेगा है ना, नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आएंगे. और कमेंट करना ने भूलिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, ताकि उनको पता चलता रहेगा कि किस तरीके से आप इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं है ना. और स्टे होम आप लोग, और बढ़िया से रहिए. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू. अभी जो एल्गोरिथम में हम लोग दी वीडियो है ना, तो एल्गोरिथम में तीन से चार क्वेश्चन हम आप लोग को एग्जाम्पल के रूप में होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क आपको घर पे करना है ना. क्वेश्चन नंबर टू रहेगा, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम एंड एवरेज. मतलब सेम मिलता जुलता रहेगा, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर. मतलब थ्री नंबर का आपको क्या फाइंड करना है, सम एंड एवरेज. दूसरा क्वेश्चन, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एनी प्रिंसिपल, ऑफ एनी प्रिंसिपल रेट एंड टाइम. नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन होगा क्या, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. चौथा क्वेश्चन जो रहेगा आपका होमवर्क, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी नंबर. किसी भी नंबर का स्क्वायर वैल्यू आपको निकालना है. तो ये चार क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करना है, और जो ये होमवर्क करके आपको कॉपी पे नोट कर लेना है ना.